हेलो माइंड्स, क्या हाल चाल समाचार हैं आप सभी के। आई होप आप सभी अपने जीपैट के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, और साथ में ही एक कैंपेन चल रही है नाइक पर अहमदाबाद और हैदराबाद में, जो MBA हटा दिया गया है उसको वापस लाने के लिए, मतलब डिसीजन को रिवोक करने के लिए एक ट्राई हम कर रहे हैं। आप लोग भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम टेस्ट सिलेबस की। हर मंथ, जैसे मार्च का मैंने मतलब जब एम टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, तब मैंने कहा था आपको कि मैं पूरे मंथ का सिलेबस आपको एक महीने पहले एडवांस में ही बता दूंगा। तो मार्च का मैंने बता दिया था, अप्रैल का मैंने बता दिया, अब ये मई का है, और इसमें आपके लिए एक सरप्राइज भी है। जैसे कि मैंने एजेंडा रखा ही हुआ है कि मई मंथ का सिलेबस है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने कोई टेस्ट मिस कर दिया तो उसका क्या सोल्यूशन है ना। और तीसरा जो सरप्राइज, और ये हमारे रैंकर्स हैं जो लास्ट वीक जो टेस्ट हुआ था संडे को, देख ही रहे होंगे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से हमारे को स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे 400 लोगों से शुरुआत हुई थी, अभी 700 लोग इस लाइव टेस्ट को देते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस साल के एंड तक ये टेस्ट जो है 10,000 तक बच्चे दें। ठीक है, मई मंथ का जो आपका सिलेबस होने वाला है, जो आपको इस संडे का सिलेबस ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुका है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिए गए हैं, तो मई मंथ का आप सिलेबस देख रहे होंगे कि आपको फार्माकोलॉजी, मैं यहाँ से हेलमेटर ले लेता हूँ, आपको फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी दिख रहा होगा, माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का है और साथ में सरफेस टेंशन भी है, देन फार्माकोलॉजी में एंटी कैंसर और फार्मास्यूटिक्स में से आईपी एडिशंस, मतलब जितने आईपी एडिशंस में जो हमारे को डेट्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, इन सब का डेट वेट से क्वेश्चन आएंगे आपको। और बहुत करीबन में तीसरा महीना खत्म हो जाएगा हमारा 26 मई को, मतलब मई का जो लास्ट संडे हो 26 मई को है, 3 महीने खत्म हो जाएंगे और हमने ऑलमोस्ट 12 टेस्ट दे दिए होंगे। तो जो 11 टेस्ट आपने जो दिए हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक मिनट ना, मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मई से हमारा मार्च 10 मार्च से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये टोटल 12 जो टेस्ट हैं। तो ये जो 11 टेस्ट है, मतलब 19 मई तक का सिलेबस जो है वो हम 26 मई में कवर करेंगे, मतलब जो हमारा 26 मई का जो सिलेबस रहेगा वो पूरा कंप्लीट रिवीजन रहेगा, मई मार्च मंथ का सिलेबस, अप्रैल मंथ का सिलेबस और मई मंथ का भी सिलेबस। अगर मैं पूरे, और क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 100 रहने वाले हैं, तो 26 मई का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहना है। और साथ में आपको क्या मिलेगा, जो उसके टॉप 3 रैंकर्स रहेंगे ना, टॉप 3, उनको संकल्प 2025 पे, जो कि हमारा प्रीमियम बैच है, हमारा सारा फोकस इसी बैच पे लगा रहता है, इस बैच पे हम आपको डिस्काउंट देंगे, और 10-20% का नहीं, आप कमेंट में बताओ कितने का दूंगा। वैसे तो वीडियो में दिख ही जाएगा आपको, बट तब भी यहाँ पर पॉज करके एक बार कमेंट में बताना जरूर। सिलेबस पे आ जाते हैं, तो फार्माकोलॉजी में आपको जनरल फार्माकोलॉजी, एंटी कैंसर, एंटीवायरल, किडनी, मलेरिया, लेप्रोसी एंड एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग और नॉन स्पेसिफिक एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, नॉन स्पेसिफिक में आपके सारे आ जाएंगे, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना। फिर फार्मास्यूटिक्स में आपके टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल्स, सरफेस टेंशन, सॉल्युबिलिटी, और ये यहाँ पर थोड़ा फार्मास्यूटिक्स नहीं, यहाँ पर ये केमिस्ट्री होना चाहिए था, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वगैरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी, ये भी फार्माकोलॉजी हो गया, ये यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी है, ये आपको अपडेटेड मिल जाएगा, बट यहाँ पर मिस्टेक हो गई है तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। माइक्रोबायोलॉजी में आपका बैक्टीरिया, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन रहेगा, और फार्माकोग्नोसी में आपका एक टेनिंस और एस जो हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है 26 मई 2024। टॉप 3 स्टूडेंट को कितने में मिलने वाला है संकल्प 2025, 50% ऑफ, मतलब कि हमारा जो कोर्स का प्राइस है उसमें 50% ऑफ। अभी हमारा कोर्स का प्राइस 5,500 रुपीज है, तो ये कोर्स कहीं करीबन में आपको 2,700 के आसपास में मिल जाएगा, 2,700 रुपीज कंप्लीट जीपैट 2025 के एग्जाम होने तक आपको
इसकी वैलिडिटी रहेगी, जिसमें लाइव क्लास रिकॉर्डेड एमसीक्यू, मतलब हम जो भी चीज करते हैं आप सब लोग जैसे भी जानते होंगे तो संकल्प नाम से बहुत रूबरू होंगे, ठीक है। अब आते हैं कि सरप्राइज मैंने आपको बता दिया, मई मंथ का सिलेबस बता दिया। अब अगर क्या अगर हम अपना टेस्ट मिस कर देते हैं, तो जब अपना टेस्ट अगर कोई मिस हो जाता है तो मतलब आप उसको वापस नहीं दे सकते, अगर कोई टेस्ट मिस हो गया तो वो कहाँ, फार्मा माइंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और फार्मा माइंड एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके ना आप यहाँ पर कोर्सेज में, यहाँ पर आप टाइप करेंगे एम टेस्ट, मतलब आप आपको दिख जाएगा ये 49 रुपीज का कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स में आके आप देखोगे ना तो मार्च का, जैसे जैसे महीना खत्म होता है ना, जैसे कि मार्च मंथ खत्म हो गया, मैंने इसके 4 टेस्ट और इसका सिलेबस यहाँ पर डाल दिया है, फिर अप्रैल मंथ में जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिया, उसका सिलेबस डाल दिया। जैसे ही 26 मई का टेस्ट हो जाएगा तो 26 मई को मई मंथ का सिलेबस डल जाएगा, तो सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकते हैं, और इस कोर्स का प्राइस जो है आपका 49 रुपीज है। तो अगर कोई टेस्ट मिस हो जाता है तो आप यहाँ से वो चीज देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों डिटेल्स दे दी, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए टॉप 3 स्टूडेंट 50% ऑफ ऑन संकल्प 2025। सो लेट्स सी, ये जो पोस्टर है इसमें टॉप 3 नाम कौन रहने वाले हैं, और अगर ज्यादातर संकल्प के बच्चे इस टेस्ट में टॉप करते हैं, अगर संकल्प के बच्चे यहाँ पर आते हैं टॉप 3 में, तो उनके लिए खैर डिस्काउंट तो रहता ही है, रेस्ट उनके लिए कुछ स्पेशल रहेगा, वो ग्रुप में अनाउंस कर दिया जाएगा उनके। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।